विभाग द्वारा 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे आज डूब प्रभावित परिवार के लोग निर्माण कार्य बंद कराने पहुंचे। मामला धार जिले के कुक्षित तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कड़माल में विस्थापितों किसानों के लिए 1700 हेक्टेयर में जाने के लिए एनवीडीए विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, परंतु आज डूब से बाहर किए हुए दर्जनों परिवार आज मशीन के सामने खड़े होकर काम बंद कराने पहुंचे। उनका कहना है कि आज हमें डूब से बाहर कर दिया गया है और हमारे घर के दरवाजों से 3 फीट दीवार बनाकर हमारा रास्ता बंद करवा रहे हैं। जब तक हमारा भी पूरा विस्थापन नहीं हो जाता, तब तक हम काम नहीं होने देंगे। आज हमारे लिए शासन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आज हम सब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 4 दिनों में हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ तो हम आगे आंदोलन करेंगे। आज जो ग्राम कड़माल में जो एक नाले में जो पुल बन रहा है, इसको रोकने का हमारा मकसद यही है कि आज कड़माल गाँव को जो 2017 में यहाँ से काफी लोगों को पानी भर के जो सरकारों ने साजिश करके जो गाँव को उठाया गया, पानी के कारण डर के कारण लोग भाग गए और बाकी लोग जो हमारे गांव में जो 13 मकान जो डूब चढ़ते से बाहर शिवराज सरकार ने जो किया वो गलत था, क्योंकि जब आबादी को तो लेना ही था तो फिर इन्हें 13 मकान जो डूब से बाहर करे। ऐसे कई गांवों में सरदार सरोवर के क्षेत्र में डूब क्षेत्र में कई गांवों में लोग अभी भी बेचारे वंचित है और आज ये 13 घर के मकान के जो लोग अभी यहाँ रह रहे, बाकी पूरा गाँव यहाँ से पुनर्वास में जो चला गया वहाँ पर भी सुविधा नहीं होने से वहाँ भी लोग परेशान है और गाँव मूल गाँव में परेशान है। सरकार को या तो यहाँ से हटाना था तो पूरे गांव को पुनर्वास की व्यवस्था करना था और सभी लोगों को सर्वे एक लगत एक मकान साइड से कर सर्वे करके सभी को अपना हक अधिकार देना था। हक अधिकार की बात को लेकर आज भी हम 35 सालों से लड़ते तो इतना पुनर्वास स्थल भी बना और पुनर्वास लोगों का हुआ, नहीं तो शासन भी पानी भर के उजाने की जो साजिश थी वो भी नाकाम की। कारण यही कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो निशान है ये हमारा रोड का टॉप लेवल है, तो हमको उस हाइट तक यहाँ पे दीवार बनानी है जिससे ये जो मकान है उनके घर में जाने का रास्ता बंद हो रहा है। और इस दीवार से आगे 50 मीटर और कड़वा ये कुक्षी की तरफ और अर्थवर्क करना है, तो आगे और 2-4 मकानों के घरों के अंदर मिट्टी जाने की संभावना हो रही है, तो इसलिए इन लोगों ने ये काम बंद करवाया है कि हमारे घरों में जाने के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे। और हम विस्थापितों को यहाँ पे हमको सरकार ने कोई हमारी परवाह करी नहीं है। तो आपने अधिकारियों से चर्चा की? अधिकारियों से चर्चा की थी, उन्होंने बोला यहाँ पे दीवार बना नहीं, इसलिए हमने आज यहाँ पे काम चालू करने के लिए हम आए हैं, यहाँ लेआउट करा, मशीन ले आए खोदे, तो गांवजनों ने इसको बंद करवा दिया है कि आप यहाँ पे काम नहीं करोगे। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल अधिकारियों को फ़ोन लगा के उनसे चर्चा करूँगा और उनसे बात कर लूँगा कि क्या कहना चाह रहे हैं।